बिहार की जनता का नेताओं के प्रति आक्रोश अब सारे बांध तोड़ चुका है। उनका ये गुस्सा कभी नारेबाजी तो कभी किसी और विरोध के रूप में सामने आ रहा है। इसी गुस्से का सबसे बड़ा उदाहरण देखा है हमने अभी हाल में मुजफ्फरपुर के सकरा में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली के दौरान किसी ने उनके हेलीकॉप्टर की तरफ चप्पल फेंक दिया था। चलिए अब मैं आपको इस पूरी घटना के बारे में बता देती हूँ। सोमवार को मुजफ्फरपुर के सकरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक रैली थी, जिसके दौरान उनके हेलीकॉप्टर की तरफ किसी व्यक्ति ने चप्पल फेंक दी थी। वो चप्पल तो उनके हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन पुलिस ने रैली को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। नीतीश कुमार ने सकरा में ऐसे ही विरोध का सामना कुछ दिनों पहले भी किया था, जब उनके भाषण के दौरान एक आदमी भीड़ में से नीतीश कुमार चोर है के नारे लगाने लगा था। उस घटना की वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। उस वीडियो में एक मध्यम वर्गीय आदमी नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा था, और नीतीश कुमार उसके नारों के बावजूद अपना भाषण बड़े आराम से कंटिन्यू कर रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस वीडियो में ये साफ साफ दिखाया जा रहा था कि मौके पर मौजूदा पुलिस ऑफिसर उस आदमी को चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख के खड़े भी हो गए थे और उसे खींचकर अलग ले जाया गया था। वैसे इस आक्रोश का सामना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी करना पड़ा था। उनके एक भाषण के दौरान स्टेज की तरफ किसी आदमी ने उन पर चप्पल फेंक दी थी, जो सीधा उनके गोद में जा गिरी थी। लेकिन चप्पल फेंके जाने की वजह से तेजस्वी यादव बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए थे और उन्होंने बड़े ही आराम से अपना भाषण जारी रखा था। मुख्यमंत्री चेहरों के अलावा अन्य विधायकों को भी जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक जब वोट मांगने लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग उनसे पहले उनके कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। इसका भी एक किस्सा भी हाल में ही हुआ है, जब आरा जिले की विधानसभा से जेडीयू के विधायक प्रभुनाथ राम रैली के बाद लौट रहे थे, तब चिल्लर गांव में ग्रामीणों ने उनके काफिलों को रोक दिया था। ग्रामीणों ने जहां एक तरफ नारेबाजी की तो वहीं उन्हें काले झंडे भी दिखाए। इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया गया था और इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विधायक जी का ये भी कहना है कि उन पर और उनके काफिले पर भी हमले किए गए हैं और वो बाल बाल उस हमले से बचे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक ऐसे किसी हमले की कोई पुष्टि नहीं की। जेडीयू के विधायकों के साथ ऐसे और भी किस्से हुए हैं। शिवहर से जेडीयू के विधायक मोहम्मद शफरुद्दीन के लिए जब जेडीयू के नेता वोट मांगने गांव में पहुंचे थे तो गांव वालों ने नेताओं को गांव के अंदर घुसने ही नहीं दिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि नेताओं को शाम के अंधेरे में छुपकर गांव के अंदर वापस जाना पड़ा था। लेकिन इसकी भनक जैसे ही गांव वालों को लगी वो बहुत ही गुस्से में आ गए और उन लोगों ने ये साफ साफ कह दिया कि पहले आप विधायक जी को लेकर आइए, उसके बाद ही आगे कोई बात होगी। विधायक को ना ला पाने की वजह से सारे के सारे नेताओं को वहां से लौटना पड़ा। जेडीयू के जो कल्याणपुर से विधायक है महेश्वर हजारी, उन्हें भी जनता के इस गुस्से का सामना करना पड़ा था। वो 10 साल से उस सीट से विधायक है और जब वो बाइक पर लोगों के पास वोट मांगने के लिए पहुंचे थे तो लोगों ने उनकी बाइक को बीच रास्ते में ही रुकवा कर उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी और उनसे उनके 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग लिया था। हिसाब ना दे पाने पर नेताजी को अपनी बाइक घुमाकर लौटना पड़ा था। अब देखना ये होगा कि ये जो सारे नेता हैं वो जनता के आक्रोश से अपने आप को कैसे बचाते हैं, और ये जो जनता है जो फिलहाल वोट मांगने के वक्त विधायकों से और अपने नेताओं से इतने सवाल पूछ रही है, क्या वो उनके जवाबों को ध्यान रखेगी जब वो वोट डालने जाएगी, या फिर इन्हीं नेताओं के झूठे वादे एक बार फिर से वोट जीतने में कामयाब रहेंगे। इस खबर में इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हमारा चैनल सबसे पहले उन्हें आप तक पहुंचाता रहेगा। आप स्क्रीन पर दिख रही जानकारी की मदद से हमारी टीम तक डोनेशन के रूप में अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।